पहला ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ, ब्लॉग शूट करना मुझे आता नहीं है। ये मेरी डुगडुग है यार, इसको थोड़ा नहलाते हैं। एकदम सुपर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह का नज़ारा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये है हमारा पूरा श्रीनगर गढ़वाल जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है। पहला ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ, ब्लॉग शूट करना मुझे आता नहीं है, लेकिन लोगों को ब्लॉग बनाते मैंने देखा है तो थोड़ा बहुत मैं सीख रहा हूँ ब्लॉग कैसे बनाते हैं। और पहला ब्लॉग है तो पता नहीं कैसा बनता है, मुझे भी नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है ब्लॉग कैसे बनता है क्या बनता है। लेकिन आप लोग इसको प्यार देना, सपोर्ट करना, ताकि मैं आगे भी अपने ब्लॉग बना सकूँ। ये पीछे आप देख रहे हैं पूरा चौरास कैंपस है। देखो सुबह सुबह हमारे छत में कबूतर भी आ रहे हैं। बहुत ही मस्त नज़ारा आपको दिखाई देगा। और सुबह सुबह की चाय का आनंद हम ले रहे हैं। सुबह सुबह की चाय का मजा कुछ और है दोस्तों। जबरदस्त चाय बनी हुई है, मम्मी अभी चाय लेके आई है। चाय का मजा ले रहे हैं दोस्तों। अंदर दिखाता हूँ मम्मी क्या बना रही है आज नाश्ते में। आज नाश्ते में क्या बन रहा मम्मी? परांठे बन रहे, आलू के परांठे। परांठे बन रहे, मेरे डाल के, धनिया डाल के। क्या बात है, जबरदस्त मजा आ जाएगा आज तो। फिर खाने में तो दही भी बना रखी है, घर की दही। क्या बात है, घर की दही भी मम्मी ने बना रखी है। फुल तैयारी चल रही है परांठे बनाने की। थोड़ी देर में पराठों को सवाल लेते हैं, तब आपसे बात करते हैं। नाश्ता रेडी हो चुका है, गरम गरम पराठे आ चुके हैं और साथ में दही भी है, चटनी भी है। पहले भोजन करते हैं, उसके बाद गरम गरम पराठों को आनंद लेते हैं। पहले पराठे खाते हैं, उसके बाद आगे का ब्लॉग आपको दिखाएंगे। तो ये हमने लिया दही, अब दही में हमने थोड़ा सा इसे डुबाया और क्या ज़बरदस्त मज़ा आ गया। घर के परांठों का स्वाद ही अलग है। हाँ हेलो, हाँ मैं शुभम योगी भाई। हाँ मम्मी गरम गरम पराठे ला रही है, ला जवाब। हेलो, एकदम सुपर। आज हमारे यहाँ पे मोटर का काम हो रहा है। पहले हमारी जो मोटर थी वो यहाँ पे लगी हुई थी, तो अब इसको यहाँ से चेंज करके इसको इस साइड पे लगाने का सोच रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इधर जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस घेर रहा है, तो इसको यहाँ पे चेंज कर रहे हैं आज। आइए आपको दिखाते हैं, इसको चेंज करने का प्रोसेस चल रहा है बाहर में। ये मोटर निकाल दिए, पानी की मोटर है, और यहाँ पर इसका कार्य चल रहा है। यहाँ पे पाइप की जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ पाइप काटे जा रहे हैं। एक छोटे से पाइप की जरूरत पड़ रही है, तो उसकी कटिंग हो रही है। यहाँ पे पापा जी और चाचा जी से कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं भी ट्राई करता हूँ।
ये देखो भाई, इसमें हमने चूड़ियाँ काट दी हैं। अब इस पर हम इस पर सॉकेट फिट कर सकते हैं। ये डाई है, इससे चूड़ियाँ कटती हैं नल में। ये गुटका है, ये गुटके को इसके अंदर आता है ये। अरे ये गुटका है, चूड़ी काटने वाला, ये चूड़ी काटने वाला गुटका है। ये पूरी डाई है चूड़ी काटने की। और ये स्टैंड है, इसको बोलते हैं हमारी भाषा में सिकंजा। इस पर नल आप फिट कर सकते हो, कुछ भी चीज़ इस पर फिक्स हो जाती है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दिखाता हूँ अपने खेत का। ये है मेरी डुगडुग, ये मेरी डुगडुग है यार। इसको थोड़ा नलाते हैं, पानी आ रहा था, सोच रहा इसको थोड़ा नला दिया जाए, इसको थोड़ा नलाने का काम। गाड़ी धोने में बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी दिनों बाद आज घर में गाड़ी धो रहा हूँ। थोड़ी देर में एकदम साइन मारेगी मेरी गाड़ी। फाइनली गाइस, डुगडुग एकदम नई बन चुकी है, नहा धो के तैयार हो चुकी है, ये आप देख रहे हैं। दोस्तों, दिन में खाना खाया, उसके बाद मैं सो गया था, अभी नींद खुल रही है। शाम के 6 बज चुके हैं और थोड़ा मार्केट जाना, कुछ काम है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे ब्लॉग में, नए ब्लॉग के साथ आपको मिलते हैं। और हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया, अगर आपको आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इतना सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। रेड कलर का जो बटन दिख रहा है इसको आप दबाइए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि मेरे आने वाली और वीडियो आपको मिलती रहें। तो टाटा बाय बाय।